हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। आज काफ़ी समय के बाद वापस आया हूँ मैं, क्योंकि कुछ समय से क्या है कि आप सब जानते हैं कि मेरी भी जॉब है। मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने का काम करता हूँ, तो आई एम वर्किंग एज ए UI/UX डिज़ाइनर इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। सो अभी वीडियो पे सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। तो अब कॉलेज चालू हो गए हैं और वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी जो भी है क्लासेस अभी घर से ही होती है। तो लगभग मेरे एक दिन में चार बैच होते हैं और चार सब्जेक्ट भी पढ़ाने होते हैं। एक अच्छी चीज़ जानते हैं आप क्या है एक प्रोफेसर्स के लिए, अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि UGC के जो बहुत सारे सिस्टम हैं, जो बहुत सारे नियम हैं, उसके अनुसार एक फैकल्टी चार ही बैच ले पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार, इससे ज़्यादा बैच नहीं दिया जाता है फैकल्टीज़ को। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं कि एक दिन में उसकी तीन या चार बैचेज होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि वो प्रिपरेशन भी कर सके अपने दूसरे प्रैक्टिकल्स की, दूसरे काम की, दूसरे कोर्सेज की, और वो काफ़ी दूर से आते जाते भी हैं, तो उसको देख के बनाया गया। तो एक चीज़ अच्छी है कि मेरे लगभग चार बैचेज होते हैं पूरे दिन में। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, UI/UX डिज़ाइनर हैं, और लेकिन वो कंपनी में काम करते हैं और दे आल्सो नीड सम, मतलब वो खुद भी चाहते हैं, यार ये तो धुंधला क्यों होता था बीच में, ठीक है, मतलब वो भी ये चाहते हैं कि उनकी कोई ऐसी जॉब हो कि वो एज ए ट्रेनर कर सके, फैकल्टीज़ कर सके। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे एज ए ट्रेनर आप काम कर सकते हैं और वहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि आप एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाइए, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल पावरफुल रखिए। मेरा फेसबुक का प्रोफाइल था, मैं काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड करता था बीच में, लेकिन अभी मैंने क्लोज कर दिया है, वो लगभग टोटली क्लोज कर दिया। एंड नाउ आई कीप माई माइंड ऑन द लिंक्डइन ओनली। सो उसमें जो भी है कुछ उसे अपडेट करते रहता हूँ, सी में मेरे अपडेशन आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये भी है कि मुझे जो अभी करेंट जॉब पे हूँ मैं अभी, वो मुझे उसी के थ्रू किसी ने कॉन्टेक्ट किया था और मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छा था। एक अगर आप एज ए ट्रेनर कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि अगर वीक में 5 डेज वर्किंग हो तो बेटर है, और लेकिन अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी जॉब मिले बेटर ही है। तो एक जॉब ढूंढने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैंने बताई आपको, सबसे पहले लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल मजबूत करिए, उसे अच्छे से, आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप जानकारी नहीं रखते, तो आप किसी से बात करिए जो आपकी प्रोफाइल उसमें बेटर बना सके। अगर सपोज़ आपको हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप किसी दोस्त से जानकारी लेके उसकी हेल्प से अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए और थोड़ी सा स्टडी भी करिए, क्योंकि बहुत सारे जो कॉरपोरेट लेवल्स के लोग हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो किसी प्राइवेट कंपनीज़ के डीन्स वगैरह हैं, वो सारे उसी पे ही यू नो प्रोफाइल सर्च करते हैं। और एक चीज़ अच्छी बात यह है कि आप अगर आपके शहर में ही आप कहीं कांटेक्ट करते हैं, मतलब सपोज़ एग्जांपल के लिए मैं तो पुणे में था, तो मैं पुणे में सपोज़ मोर देन 200 कॉलेजेस होंगे, मोर देन 300 होंगे लगभग, तो अगर 300 कॉलेजेस हैं पुणे में और आपको, आप चाहते हो कि यू वांट टू वर्क एज ए सम प्रोफेसर और लेक्चरर, तो सबसे पहले एक तो आपकी मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, भले आपने अभी PhD के लिए भरा हो या ना भरा हो, क्योंकि मैंने अभी करेंटली PhD के लिए भरा है, पहले मेरा नहीं था PhD। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए और देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, मतलब इतने सालों में आपने 5-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें वेदर यू आर गुड इन यू नो मैथमेटिक्स, गुड इन ज्योग्राफी, गुड इन यू नो बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। तो मैं एक्चुअली आई वॉज़ अ स्टूडेंट ऑफ मल्टीमीडिया, तो मैंने मल्टीमीडिया का PG डिप्लोमा किया है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया। सो मैंने जो कोर्स किया है वो अहमदाबाद से किया था, तो जब मैंने कोर्स किया था ये बहुत नया था और लोग जानते नहीं थे मल्टीमीडिया क्या है, इवन मैं भी नहीं जानता था मल्टीमीडिया क्या है, मगर मुझे ये पता था कि इसमें जॉब लगती है, तो मैंने वो कोर्स कर लिया था, ज़्यादा सोचा नहीं। तो सबसे पहले है कि आप टाइम बर्बाद मत करो सोच के, मतलब एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी कि चार दोस्त रहते हैं, एक चौराहे में पहुंचते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि एक दोस्त सोचता कहाँ जाएं, दूसरा भी सोचता कहाँ जाएं, कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं, ये सोच के दो तीन दोस्त तो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, चौथा वहाँ डर के मारे कहीं नहीं जाता, वहीं का वहीं रह जाता है।
तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रास्ता दिखाई दे रहे बहुत सारे तो आप कंफ्यूज हो, एटलीस्ट किसी रास्ते पे चले जाइए। गलती होगा तो क्या हुआ, लेकिन वो रास्ता कहीं तो पहुंचा भी सकता है अगर सही हुआ तो चौराहे पे खड़े होके सोचिए मत कभी भी। आज के समय पे बहुत सारे कोर्सेज हैं और हजारों लाखों जॉब भी हैं, और जॉब जा भी रही है लेकिन जॉब लग भी रही है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि ऐसा क्या है जो आप 24/7 कर सकते हो। मतलब रियली मैंने अपनी करियर की शुरुआत ग्राफिक डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर से किया है। अभी मैं वर्डप्रेस वगैरह पे भी काम करता हूँ, UI UX करता हूँ और फ्रीलांस भी काम करता हूँ बहुत सारी कंपनियों के लिए, और जो कुछ काम होते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी दे देता हूँ। तो सबसे पहला जो काम है ना, आप अपने आप को पहचानिए यार कि आपको क्या पसंद है। एक बार आपको पसंद है कि आप सही में टीचिंग लाइन पे आप जाना चाहते हैं, कि आपको टीचिंग लाइन सही में पसंद है, तो फिर उसके बाद आप उसमें जंप मारिए, सिर्फ नौकरी मत ढूंढिए। अभी देखो बहुत समय हो गया है, ये जो वीडियोस बन रहा है उनके लिए बन रहा है, उन जो 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे भी लगभग 10 साल हो चुके होंगे काम करते करते। तो मैंने अपनी शुरुआत यहाँ पे पुणे में FC रोड से की थी। मैं वहाँ पे पढ़ाया करता था और लगभग 100 स्टूडेंट्स थे, और मुझे लगा कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एडमिशन्स भी होते थे हमारे कारण। उसके बाद मैं कई कंपनी में काम किया, फिर टीचिंग लाइन में भी आया। पुणे में अगर लगभग देखूँ तो जो फेमस इंस्टीट्यूशन हैं, एरिना और कुछ और नाम नहीं लूँगा अब यहाँ पे मीडिया के सामने, तो बहुत सारे हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, सभी में मैंने पढ़ा चुका हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ साल। और उसके बाद मैं बाहर चले गया था, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने सोचा अब इंस्टीट्यूशन ना भर के अपना रिसीवी मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजना भी चालू किया, और देखिए अब कमाल लग भी गया। और उसके बाद होते होते फिर मैंने देखा कि क्यों ना UGC में एक बार ट्रायल किया जाए जॉब के लिए। तो क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हजारों लाखों करोड़ों इंस्टीट्यूशन हैं, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो बोला एक बार ट्रायल करते हैं ना, अपना CV भेजते हैं। अब तो मैंने CV भेजा और फिर मेरा अच्छा जॉब लग गया, अच्छी सैलरीज है। तो अभी एक CV भेजने का मतलब क्या होता है आपको मैं समझा रहा हूँ। पता नहीं अब मेरा वीडियो कितने लोग पूरा देखते हैं कितने नहीं, लेकिन मैं सोचा बनाना तो पड़ेगा, जो बातें हैं वो आपको बतानी होगी। तो एक CV भेजने का एक छोटा सा आइडिया है। मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब लगती कैसे? सबसे पहले तो मैं बोल चुका हूँ कि आपको पता होना चाहिए यार आप करते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं आपके साथ वफादार होना चाहिए कि आपको क्या बनता है। आपको ये चीज़ बनती है, XYZ आपको बनता है, और आप उस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, ये बात आपके थ्रू आपको पता होना चाहिए, उसके लिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम आपको अच्छा लगता है? एग्जाम्पल के लिए आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है और आपने थोड़ी बहुत म्यूज़िक ट्रेनिंग सीखी है, म्यूज़िक पढ़ाने की, ओके? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप म्यूज़िक जब सिखाते हो या म्यूज़िक पे काम करते हो या म्यूज़िक के बारे में कुछ स्टडी करते हो या रिसर्च करते हो, तो आप उसमें 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे करते हो, और दूसरे दिन फिर 20 घंटे करते हो, तीसरे दिन फिर, और 5 साल लगातार, और आप बोर नहीं होते। अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास आपकी नज़र में, आपको ऐसा पता है कि ये चीज़ मुझे खूब पसंद है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आप उसी सेक्टर में आगे जा सकते हैं और उसी सेक्टर में आपकी करियर बहुत बेहतर बनी। तो सबसे पहले आपके साथ वफादार होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अब जॉब लगती क्या है उसका एक छोटा सा फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, जस्ट मिनट। तो जॉब लगने के लिए क्या करिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा एक बॉक्स लीजिए आप, इस बॉक्स के कारण आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसा एक बॉक्स लीजिए आप, ये बॉक्स है ना, ये आपको जॉब दिलाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे, ये देखिए खाली बॉक्स है ना, ये कैसा कैमरे में आ रहा है, ये देखिए खाली बॉक्स है। इस बॉक्स को अच्छे से समझिए आप, और आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करिए, इस बॉक्स में चॉकलेट्स भरिए, जो भी चॉकलेट्स आपको पसंद है, जो भी चीज़ें, छोटी सी छोटी चॉकलेट्स या फिर कुछ और, या फिर कुछ हम बचपन में कुछ गोटियाँ खेला करते थे छोटी सी, वो कुछ ही भरिए, हंड्रेड्स भर दीजिए या थाउजेंड्स भर दीजिए इसमें, ओके? एक जो ये बॉक्स है आपका, इसे आप लेफ्ट में रख दीजिए, और एक जो बॉक्स है उसे राइट में रख दीजिए, ठीक है ना? एक बॉक्स में आप अपनी चॉकलेट्स रखिए या फिर जो भी है XYZ कुछ गोटियाँ रखिए या फिर जो भी है कुछ ऐसे जो 100 या 1000 हो, इसमें आप डाल दीजिए, इसे यहाँ पे रख दीजिए, और दूसरी तरफ है आपका खाली है। तो आपके पास क्या है इस समय, आपके पास इस समय है दो, रुए कैमरा ठीक कर ले यार। तो आपके पास दो हैं, एक है इस तरफ बॉक्स है आपका और एक है इस तरफ, आपके दो बॉक्स हैं, ठीक है ना? एक इस तरफ है एक इस तरफ। ये जो बॉक्स है इसमें
चॉकलेट्स या फिर जो भी है हंड्रेड्स या 1000s कुछ हैं जो भी हैं भरे हुए, तो उसके लिए कुछ भी ले सकते हो आप, छोटी सी मोती ले सकते हो या फिर कुछ भी इस टाइप की जो भी काउंटिंग आप कर सको। अब क्या करना है आपको, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। तो मेरे आसपास देखता हूँ मैं क्या है जो भी है, दो मिनट रुको आप। थोड़ी देर के लिए ये है, ये दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए मान लीजिए ऐसे 1000। तो अभी मैंने दो तीन ढक्कन डाल के रखे क्योंकि आप इससे समझ जाओगे, समझे। और तो ये मैंने उठाया एक, अंडरस्टैंड। और इस तरफ मेरे सेकंड तरफ क्या है, खाली बॉक्स रखा हुआ है। मुझे ये 1000 अपने बॉक्स में डालने हैं या 100 डालने हैं। अभी मुझे करना यह है कि मैं CV भेजना चालू करूंगा यूनिवर्सिटीज़ में या IT कंपनीज़ में या फिर जहाँ पे भी आपको जॉब चाहिए। आप जैसे जैसे CV भेजेंगे ये उठा के आप खाली डिब्बे में डालते जाइए। CV भेजा, फिर है ना, फिर आप उठाइए, फिर खाली डिब्बे में डाल दें, CV भेजो, फिर आप उठाइए, फिर खाली डिब्बे में डालते जाइए। और जिस पर डे जब तक ये डिब्बा 100 अगर आपने डाले हैं, तो जब तक 100 ख़त्म नहीं होते खाना मत खाइए, काम मत करिए, सारी चीज़ें छोड़िए और आप उसे भेज के रखिए। जैसे ये ख़त्म हो जाता है और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, वैसे आपको क्या करना है, जैसे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है काम करना है कि ये डिब्बा ख़त्म, उसके बाद आप कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ स्टडी करिए, कोई नई चीज़ पढ़िए, अपना टाइम पास कर लीजिए। सेकेंड डे फिर वो डिब्बा है जो दूसरा वाला भर जाएगा, उसे एक तरफ रखिए और फिर यही काम चालू करिए। बस ये रिपीट करते जाइए एवरी डे, कम से कम 10 दिन में या एक महीने में मोर देन आप 5 to 10,000 कंपनी में आपका CV होना चाहिए। और देखिएगा ये जो काम है ना आपको बहुत सारी जॉब दिलाएगा, एक नहीं बहुत सारी, इवन आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम कट आउट हो जाएगी। तो एक सीधी सी बात है, ये फार्मूला आप करोगे, और ये फार्मूला मैं अक्सर अपनाता हूँ। कोई भी एक जॉब थी, जॉब देखिए प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये, कोई गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी नहीं है ये, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब आती है फिर जॉब जाती है, फिर आती है फिर जाती है। लेकिन जब तक ये मुझे मालूम है ना, जब तक इस टाइप के बॉक्स है ना मेरे पास और ये इंटरनेट कनेक्शन है, कसम से किसी से नहीं डरता मैं, किसी से भी नहीं डरता। और एक चीज़ और, ऐसे मर मर के नई चीज़ सीखता भी नहीं हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें जो मेरे रिलेटेड मेरे फील्ड की हैं उसे थोड़ी सा अपग्रेड करते रहता हूँ और फ्री वाले कोर्स करता हूँ भैया मैं, क्योंकि मैंने आज से 10-12 साल पहले एक PG डिप्लोमा किया था, तो उसकी फ़ीस लगभग उस समय कुछ तो भी 50,000 थी, और लेकिन उसमें कुछ डिस्काउंट चल रहा था 35,000 रुपये, 15,000 का डिस्काउंट मिला था, 35,000 का कोर्स है, तो वो मैंने किया। और उस समय वो करने के बाद भी मेरे को शायद 32,000 रुपये देने पड़े, क्योंकि 3,000 का और डिस्काउंट दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने जल्दी पढ़ाई कर ली और जॉब पर लग गया था, तो काफ़ी नाम हुआ था उनका, तो मैंने 32,000 दिया। उसके बाद मैंने जब मैं पूना आया पहली बार, तब मुझे समझ में आया कि इंटरनेट और यूट्यूब है और इस पर हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब यूट्यूब में ही पढ़ा है और फ्री वाली जगह पे ही जाके पढ़ा है, कहीं कोई पैसे नहीं दिए बड़ी बड़ी जाके जगह। आप कहीं पे एडमिशन लेते हो कोर्स के लिए, तो क्या होता है, आप एक तो एक घंटा आपको जाने में लगेगा, एक घंटा आने में लगेगा, और उधर से आपके जो दोस्त रहेंगे उनके साथ आप कम से कम एक घंटा चाय पियोगे, बकवास करोगे, ये सब चीज़ों में घंटा कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा यूट्यूब बाबा की जय, आप यूट्यूब खोलिए, यूडमी खोलिए। अभी बोले कि यूडमी के बहुत सारे कोर्स होते हैं ना फ्री होते हैं, यूट्यूब फ्री होता है ना, एक स्वयं करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चालू किया पोर्टल, उस पर जाइए। तो मैं जो भी चीज़ें हैं जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता हूँ और बस उसके नोट्स बनाता हूँ, और कुछ समझ नहीं आता है ना तो उस वीडियो पे डिलीट करके तो दूसरा वीडियो देखता हूँ, तीसरा वीडियो, अनलिमिटेड हज़ारों वीडियो। आप किसी क्लास में जाओगे तो आपको एक टीचर मिलेगा, समझा पाएगा नहीं समझाएगा पता नहीं, लेकिन आप यूट्यूब पे जाओ आपको लाखों करोड़ों की मात्रा में टीचर, गली गली टीचर भरे, रोज़ नए आते हैं यार, हिंदी में, संस्कृत में, रशियन में, इंग्लिश में, किस लैंग्वेज में आपको पढ़ना वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने कभी कोई ऐसा कोर्स नहीं किया कुछ भी, और काम मैंने इसके पहले अभी काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ काम किया, ढाका यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, फिर 2 साल फिर ओमान में काम किया मैंने, दुबई में काम किया मैंने, तो मैंने ये कभी भी स्टडी नहीं की, और मैं खुद भी, और मेरे पास ऐसा कोई अभी सर्टिफिकेट्स भी नहीं है रियली आपको बताऊं तो, कुछ ग्राफिक्स और वेब और UI UX का कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। जो भी है मेरी बातें हैं सर्टिफिकेट्स, मैं इतना बोलता हूँ कि जो भी आप जो भी मेरे को स्टूडेंट को सामने लेकर आओगे उसकी जॉब लग जाएगी, चाहे वो ग्राफिक्स में लगे या वेब में लगे, एनिमेशन में या वर्डप्रेस में, जुमला में, चाहे ओपन कार्ड में, चाहे ड्रुपल में, लेकिन जॉब लग जाएगी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो। तो बस ऐसा करते करते ये सारी चीज़ें ही, अभी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब में,
तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोचते हो कोर्स नहीं करा रहे पापा मम्मी या इसलिए तो आप नहीं करी, तो जो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो जॉब सर्च कर रहे हैं और उनके लिए भी जो आप कहीं कोर्स नहीं कर सकते, तो अपना टाइम बर्बाद मत करिए, पढ़िए आप थोड़ी सा। क्या होता है यार, ज्ञान बड़ा आवश्यक है। आप क्या करते हैं, आपको थोड़े सा ज्ञान हो जाए ना तो ज्ञान से पैसे बहुत आते हैं। क्यों आते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी पता नहीं आप इतनी देर से मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, अगर आप अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आप हजारों लाखों में से अलग हैं, तभी आप मेरी अभी तक बातें सुन रहे हैं। अदरवाइज आप वीडियो बंद करके बहुत सारे आप गाने सुन सकते हैं, है ना, और या फिर न्यूज़ सुन सकते हैं। आजकल तो एक ही सब्जेक्ट है पूरे हिंदुस्तान के पास, कोई भी न्यूज़ लगा के आप सुन सकते हैं, लेकिन आपने मेरा वीडियो देखा इतनी देर तक, तो एक बात तो तय है कुछ ना कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो एक कई पिक्चरों में एक है, एक डायलॉग्स है, मैं भी आपको मार ही देता हूँ डायलॉग्स की, आप जो खोज रहे हैं ना वो आपको खोज रहा है, ये बात हमेशा याद रखना। तो किसी के भरोसे मत बैठो, और दशरथ माझी का ये डायलॉग्स मुझे हमेशा पसंद आया है और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता था और रिस्पेक्ट करता रहूँगा। और महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है, वो बोलते थे कि कभी किसी के भरोसे मत बैठो, वो बोलते थे कि कभी भगवान के भरोसे भी मत बैठो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। तो मेरी इस बातों को ध्यान रखना आप, और कुछ करो यार, कुछ करने के लिए मिला है जीवन, सही करो गलत करो क्या करो, लेकिन कुछ करो, ऐसे मत बैठो। और देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो मेरे को पर्सनल मैसेज पे मैसेज करो, वहाँ पे कमेंट्स में लिखो, अगर मैं आपको लगता है मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकता हूँ। अदरवाइज आपने देखा लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं और सब कुछ होता है फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाने का काम करता हूँ और इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे उसमें काफ़ी सेटिस्फाइड फील होता है कि हाँ मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जब उसमें से कभी 70 या 60 स्टूडेंट भी जॉब पर चले जाते हैं और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी 5-10 साल, 5 साल पहले की कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे और वो बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया था मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और एक अलग से लगता है, वही एक प्रॉपर्टी है मेरी जो उनका एप्रिसिएशन मिलता है। वो जहाँ पे भी हैं पता नहीं मेरा वीडियो देखते हैं कि नहीं, अब क्योंकि वक्त चलते रहता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, फ़ोन घूमते रहते हैं, नंबर खोते रहते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो जहाँ पे भी हैं जैसे भी हैं अच्छे से रहें, आप भी जहाँ पर हैं अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास सफाई बनाते रखिए और अच्छे वीडियो देखते रहिए आप, और खुद भी वीडियो बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच।